क्या आप दुबई विजिट वीजा पर जाना चाहते हैं? तो एक नया अपडेट आ चुका है, अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आप दुबई जो है विजिट वीजा पर नहीं जा सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके कि कौन सी गलती आपको करना है। पहले का रूल चेंज हो चुका है और अब जो है नए रूल जो है आ चुके हैं दुबई की तरफ से। तो अगर आप उन सारे रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको विजिट वीजा नहीं मिलेगा और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है दुबई से। क्या है, कौन सा नया रूल है, उसके ऊपर हम पूरा बात करते हैं। सबसे पहला रूल, आप जब भी आप यहाँ से जाओ विजिट वीजा पर, तो वो आपसे बोलेंगे जो आपको जो है फ्लाइट टिकट आपके पास होना कंपलसरी है। तो पहले लोग क्या करते थे, वन वे टिकट लेते थे और सेकेंड जब उधर से रिटर्न वाली टिकट शो करना होता था तो वहाँ पर डमी फ्लाइट का टिकट दिखा देते थे। अब के टाइम पर जितने लोग भी डमी फ्लाइट शो कर रहे हैं, डमी फ्लाइट का टिकट, उनका जो है वहाँ से डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ बुक कर लो फिर डायरेक्ट हो जाए, नहीं, वहाँ से तुरंत आपको डिपोर्ट करा जाएगा। तो अगर आप यहाँ से अगर भारत से अगर आप जा रहे हो दुबई के लिए, तो सबसे और विजिट वीज़ा के लिए जा रहे हो, तो आप इतना ध्यान रखो कि विजिट वीज़ा पर जाने के लिए दुबई के लिए आपके पास फ्लाइट का टिकट होना चाहिए, वन वे नहीं टू वे, जाने का भी और वापस आने का भी। विजिट वीज़ा जो है आपका 30 दिन का रहता है या तो 60 दिन का। अगर आप 30 दिन का विजिट वीज़ा लेते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है 70,000 से लेकर 80,000 के आसपास आपके पास होना चाहिए, या तो आपके क्रेडिट कार्ड का उतना लिमिट होना चाहिए। और अगर आप 60 दिन का विजिट वीज़ा लेते हैं तो उसके लिए आपके पास 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, आप जो है जिसे कैश करा सको, या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड की उतनी लिमिट होनी चाहिए। तो ये तो जो है इतना अमाउंट रहेगा तो आपको एंट्री मिलेगी आपको दुबई के अंदर। लेकिन टिकट जो मैंने बताया वन वे वाला नहीं चलेगा, टू वे होना चाहिए। लेकिन टू वे में भी एक कंडीशन है, बताइए क्या, आने जाने का तो फ्लाइट होना चाहिए, जाने का आपके पास होना चाहिए फ्लाइट और वापस आने का भी फ्लाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ये कंडीशन उन लोगों ने रखा है कि जिस एयरलाइन के थ्रू आप जा रहे हैं, जैसे इंडिगो के थ्रू जा रहे हो या फिर जो दुबई एयरवेज है वहाँ पर उसके थ्रू जा रहे हैं, तो जिस एयरलाइन के थ्रू आप जा रहे हैं उसी एयरलाइन के थ्रू आपका रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, समझ लो, जाने का भी उसी एयरलाइन में होना चाहिए और रिटर्न भी आपको जो है उसी एयरलाइन का टिकट लेना पड़ेगा। 30 दिन के लिए जा रहे हो तो 30 दिन के अंदर आज अगर आप जा रहे हो तो आपको एक आइटिनरी प्लान भी उन्हें देना पड़ेगा। आइटिनरी प्लान में साफ साफ लिखा होता है कि आप दुबई में कितने टाइम रहने वाले हो और वहाँ जाने के बाद आप कौन से होटल में रुकने वाले हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं दिखाते उन्हें कि कितने दिन होटल में रुकने वाले हो और जिस होटल में रुकने वाले हो उसका भी आपको उनको जो है प्रूफ देना होगा, एड्रेस उनका प्रॉपर, ताकि वो इंक्वायरी कर पाए। जितने दिन भी अगर आप एक लोकेशन पर रुकने वाले हो दुबई में तो आपको एक लोकेशन का एड्रेस देना होगा, एक जो है 30 दिन का पूरा दिखाना होगा कि आपने वहाँ पर बुकिंग करके रखा है। या फिर आप अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो विजिट वीज़ा पर ही, तो जो आपके रिलेटिव जहाँ पर रहते हैं, जो रेंट एग्रीमेंट अगर वो भाड़े पर रहते हैं कहीं, तो वो रेंट एग्रीमेंट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, आपको पासपोर्ट ऑफिस सॉरी आपको जो है एयरपोर्ट पर दिखाना होगा। तो एयरपोर्ट पर अगर आप रेंट एग्रीमेंट दिखाते हैं तो वो कंसिडर करेंगे। तो ये जो सबसे बड़े बदलाव हुए हैं, पहला जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो आपके पास जो है टू वे टिकट होना चाहिए फ्लाइट का, और वो भी सेम एयरलाइन में होना चाहिए। इंडिगो है तो इंडिगो में जाने का और आने का रिटर्न टिकट होना चाहिए। सेकेंड, आप जितने टाइम भी वहाँ रहने वाले हो उनको आइटिनरी प्लान देना होगा आपको कि कहाँ कहाँ जाने वाले हो घूमने, या फिर आप कहाँ पर रुकने वाले हो, कितने टाइम तक रुकने वाले हो, 30 दिन तक रुकने वाले हो तो कौन से होटल में 30 दिन तक रुकने वाले हो, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, दोस्त के यहाँ जा रहे हो तो कितने दिन तक आप अपने दोस्त के यहाँ रुकने वाले हो उसका एड्रेस, ये दो चीज़ मैंडेटरी होगी अभी के टाइम पर। और ये सारी चीज़ें अपडेट करने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, वन वे का टिकट लेकर पहुंच जा रहे थे दुबई और वहां से रिटर्न नहीं आ रहे थे। उनका जो समझ लो 30 दिन का विजिट वीज़ा पर गए हैं तो वो लोग उससे ज़्यादा वहां पर रह रहे थे और वहां से वापस नहीं आ रहे थे। यही सब देखकर जो है उन लोगों ने ये सारी डिसीजन और इतना बड़ा जो है कदम उठाया है कि आपकी जो है ये सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी जाकर आपको जो है हम एंटर देंगे दुबई के अंदर, तब आपको विजिट वीज़ा मिलेगा। और वहाँ से बहुत सारे लोग को डिपोर्ट भी कर दिया जा रहा है, जो लोग डमी फ्लाइट्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, जो होटल बुकिंग का गलत चीज़ें गलत दिखा रहे हैं लोग, होटल बुकिंग सही तरीके से नहीं प्रॉपर दिखा रहे हैं, तो उनको जो है रिटर्न वहाँ से कर दिया जा रहा है। तो आप सही तरीके से लीगल वे में जो भी ये प्रोसीजर है उसे फॉलो करें और उसके बाद आप दुबई विजिट वीज़ा पर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपका कैंसिल नहीं होगा। और पाकिस्तान जैसे अगर देश की बात करें तो भाई वहाँ का तो अभी बंद करके ही रखा है उन लोगों ने, विजिट वीज़ा का ही प्रोसेस ही बंद करके रखा है वहाँ के लोग अभी के टाइम पर फिलहाल के लिए, और आगे हो सकता है ओपन हो जाए लेकिन अभी के टाइम पर वहाँ के लिए बंद है, अभी कोई भी विजिट वीज़ा पर नहीं जा सकता। अगर उन्हें जाना है दुबई तो उन्हें डायरेक्ट वर्क वीज़ा लेकर ही जाना होगा, अगर टूरिस्ट वीज़ा पर जाना है तो वो जा सकते हैं, विजिट वीज़ा का बस बंद करके उन लोगों ने रखा है।
पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए और नेपाल के लिए भी, फिलहाल इंडिया के लिए भी चालू है अभी, लेकिन हो सकता है अगर ऐसे ही जो गलत तरीके से लोग ज़्यादा यहाँ से भी जा रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ आपको भी अपडेट मिले कि इंडिया के लिए भी कुछ समय के लिए बंद करा जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सारे दस्तावेज अपने सही करें उसके बाद आप जा सकते हैं दुबई, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।